अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स सेमेस्टर टू का लेसन नंबर एक लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा टॉपिक है परसेंटेज। लैटिन वर्ड परसेंटम से लिया गया है और पर मीनस ईच एंड सेंटम मीनस हंड्रेड। लिहाजा परसेंटम का मतलब हंड्रेड कहेंगे, यानी पर हंड्रेड, ईच हंड्रेड या पर हंड्रेड और हंड्रेड है। इसका सिंबल जो है यहाँ पर, ये सिंबल आपको परसेंटेज में यूज होता है। ओके, सबसे पहला जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1, ये परसेंटेज है बच्चों, और इसमें ये सारे क्वेश्चंस आपकी किताब पर ऑलरेडी दिए गए हैं। तो चलो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ परसेंटेज, यानी परसेंटेज में हमें ये लिखना है। जैसे है मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा है और वहाँ पर दिया गया है ए पार्ट 4600। हमने इक्वल टू किया, इक्वल टू 46 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100%, ये 46%। ठीक है, 100 में से 46 ये 46% होता है। इसी तरह से बी पार्ट यहाँ पर 200 था, इसका मतलब होता है 2 डिवाइड बाय 100 यानी 2%। इसी तरह से 1300 था इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 100 और इसका जो परसेंटेज होता है 13%। और इसी तरह से 2500 था इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 100 एंड इज इक्वल टू 25% और 1/4। ओके, 1700 था इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 100 और इज इक्वल टू 20%। 500 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 100 एंड इट इज इक्वल टू 5%। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन परसेंटेज, ये भी हमें परसेंटेज में ही दिखाने हैं। तो ए पार्ट जो हमारा है वो था 63 डिवाइड बाय 100, तो डायरेक्ट हमने इसको किया इज इक्वल टू 63%। इसे 99 डिवाइड बाय 100 दैट इज 99%। 137% 100 इज इक्वल टू 137%। इसी तरह से 215 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 215%, दैट इज हियर ए पार्ट 7 डिवाइड बाय 100 दैट इज 7%। ओके, यहाँ पर परसेंट लगाना भूल गया हूँ, तो इसको आप परसेंट लिख सकते हैं। 13 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 13%। अभी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। ओके, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में करना है। हमने सॉल्यूशन इसका मैंने यहाँ पर लिखा है, 7 बाय 10 का करते हैं हम। 7 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 70%। 9 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 16 इंटू 100 इज इक्वल 900 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 56.25%। ओके, 70 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 1700 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 34%। इसलिए 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। और 1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 दैट इज 100 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 16.6%। 3 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 3 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60%। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ परसेंटेज। ये डेसिमल में दिया गया है, इसको परसेंटेज में हमने कैसे किया है देखिए। 0.25 का मतलब होता है 25 डिवाइड बाय 10, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया है मेथड, 25 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। ओके, और 1.12 इसको हमने किया है कन्वर्ट, जैसे इसको डिवाइड बाय 10 करके ये बन जाता है 112 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 112%, क्योंकि 100 और 100 कट जाएगा
तो परसेंट तो आगे आके इसके साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से हमने 0.04 को 4/100 के साथ किया है और इनको 100% किया, तो ये 100 और ये 100 कट के 4% यहाँ पर रह जाएगा। इसी तरह से 1.05 को 105% तक कैलकुलेट किया गया है। 0.47 को इस तरह से 47% बनाया गया है, 0.7 को 70% और 0.1 को 1%, 3.4 को 340% बनाया गया है, ठीक है। और आगे चलते हम एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू परसेंटेज फ्रैक्शन। तो परसेंटेज जो है उनको फ्रैक्शन में करना था, जैसे 15% इज इक्वल टू 15/100 और इसी तरह से 75% 75/100 और अगर हम यहाँ पर देखेंगे 60% का मतलब होता है 60/100 या 15/25, ओके। क्योंकि इनको 4 से डिवाइड किया गया है इसलिए ये लीस्ट फ्रैक्शन में आया है। इस तरह से 85% का मतलब होता है 85/100, तो 8/1/3 का मतलब होता है 25/3। तो ये कैसे होता है, जैसे 3 8 are 24 plus 1 is equal to 25, 25 यहाँ पर लिखा गया है और 3 जो डिवाइजर है ये डिवाइड यहाँ पर ही रहेगा। इसी तरह से 6 1/4 का मतलब होता है 6 into 4 6 are 24 एंड plus 1 is equal to 25 और यहाँ पर 25 लिखा गया है और उसके बाद आपने 4 को यहीं रखना है, तो यानी 25/4। इस तरह से 5% को 5/100, 50% को 50/100 और इक्वल टू 1/2 यानी 50%, ओके। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लाया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। यहाँ पर परसेंटेज दी गई है, इनको डेसिमल में करना है। जैसे 3.5% का मतलब होता है 3.5/100 इज इक्वल टू 0.035, ओके। इस तरह से बी पार्ट 12.6% का मतलब होता है 12.6/100 इज इक्वल टू 0.126। इसी तरह से 0.8% का मतलब होता है 0.8/100 इज इक्वल टू 0.008। 20% का मतलब होता है 20/100 इज इक्वल टू 0.2, ओके। 17 का मतलब क्या होता है, 17% जो है 70% का मतलब होता है 70/100 इज इक्वल टू 0.17, ओके। इस तरह से 6.25% का मतलब होता है 6.2/100 इज इक्वल टू 0.0625, ओके। जी पार जो हमारे पास है 40% का मतलब इसी तरह से हम ले लेंगे 40/100 इज इक्वल टू 0.4 और 25% का मतलब होता है 125/100 इज इक्वल टू 1.25, ओके। तो इस तरह से हमने ये 6 क्वेश्चन पूरे किए। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगले जो हमें वीडियो आप अपलोड करता हूँ तो वो मैं इसी चैनल यानी रईस जमील चैनल पर अपलोड करता हूँ, इसलिए आप रईस जमील चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट जो भी पढ़ाता हूँ, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं।